Mandar bi bole Ribai 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 Zor se bolo Mandar bi bole Ribai 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 Mandar bi bole Mandar bi bole Ribai Mandar bi bole Ribai SDM Mandar hai 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 SDM Mandar bi SDM Mandar hai 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 SDM Mandar hai 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 SDM Mandar hai 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 Asa cho Mandar hai hai zor se bolo Mandar hai hai zor se Mandar hai hai election authority 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 hai hai DC Poonch hai hai DC hai hai gundagardi nahi chalegi gundagardi nahi chalegi Election authority. Hi, hi. Election authority. Hi, hi. Election authority. Hi, hi. Election authority. Hi, hi. Election authority. तीन पोलिंग स्टेशन थे 30 पोलिंग स्टेशन 30 पोलिंग स्टेशन में से कुछ पोलिंग स्टेशन जो हैं हाइपर सेंसिटिव उनको करार दिया गया था क्योंकि इससे पहले भी वहाँ गुंडागर्दी होती रही और पंचायत के इलेक्शन जो सरपंच के इलेक्शन हुए वहाँ भी उन्होंने गुंडागर्दी की और यही वाजिद बशीर और इसके भाई चार पांच लोग जो हैं गुंडागर्दी करके वहाँ के लोगों को हरास किया हुआ है। मैं ये कहूँगा कि वहाँ के लोगों को वोट डालने का मेरा नाम रकीक खान है और मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का इंचार्ज हूँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट का। आज सरकार का जिस तरीके का रवैया एडमिनिस्ट्रेशन का रहा खासकर मेंडर बी के चुनाव में या मेंडर ए के चुनाव में मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। टोटल चार पोलिंग स्टेशन जो थे चार पोलिंग बूथ वो मेंडर बी के अंदर जो थे कैप्चरिंग थे उनमें हाई स्कूल डराना है मलकपुर है और सही मैदान के दोनों पोलिंग बूथ कैप्चर थे। सबसे बड़ा कारण कि यहाँ पे जो प्रिजाइडिंग अफसर्स थे उनका बहुत गलत रोल रहा है। उन प्रिजाइडिंग अफसर जो फारूक वहाँ पे जो सही मैदान के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर फारूक था उसने किसी भी एजेंट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन फॉर्म नहीं दिया। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं कि इन चारों पोलिंग स्टेशनों पे रीपोलिंग की जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस जिमन में पुलिस स्टेशन मेंडर में भी एक एफआईआर कराई है और हमने इलेक्शन कमीशन को भी ऑलरेडी लिख दिया है ये चारों के चारों पोलिंग स्टेशन रीपोल होने चाहिए। इनकी वीडियो जो है बिल्कुल बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि एक हफ्ते से मैं सोशल मीडिया के जरिए और बाय रिटर्न मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया कि ये स्टेशन जो है वो कैप्चर होते हैं और मुझे ये कहा गया और बाकायदा उसको बाय रिटर्न हमें भी भेजा कि हमने ये हाइपर सेंसिटिव में डाल दिए। लेकिन हाइपर सेंसिटिव में डालने के बावजूद भी वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी किसी किस्म की सिक्रेसी नहीं थी ओपन वहाँ खुद जो गुंडा लोग हैं वो वोट डाल रहे थे। वोटर बाहर इंतजार कर रहा था लेकिन अंदर चंद लोग जो मुलाजिम हैं जो कैंडिडेट थे कुछ भाई कुछ चाचे कुछ ऐसे लोग वहाँ वोट डाल रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं एक और आजाद होकर जाके वहाँ मैंने हिम्मत से उन लोगों को इस चीज़ का ये गलत काम करने से या इलीगल जो जिस तरीके से वो वोटिंग कर रहे थे वो रोका लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई तावन नहीं दिया। वो जाते थे थोड़ी देर के लिए दो मिनट के लिए पाँच मिनट के लिए फिर बाहर आके चाय पीना शुरू कर देते थे वही काम शुरू हो जाता था। मुझे वहाँ के कैंडिडेट के बाप ने ओपनली ये थ्रेट दी कि आपने हमारे साथ दुश्मनी जो ली है ये आपको बाद में पता चल जाएगा ये बड़ी मुश्किल हो गई है आपके लिए ये अपने भाई तलत को भी बोल देना अपने भाइयों को भी बोल देना कि जो दुश्मनी आपने हमसे की है जो हमें आके आप रोक रहे हो वोट डालने से ये बहुत भारी पड़ेगी। मुझे इस फैमिली से मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है अगर कल मेरी किसी फैमिली के साथ कुछ होता है तो ये लोग जिम्मेवार हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ओपनली वो लोग मुझे थ्रेट देते हैं पूरे कैंडिडेट को गुलाम नबी साहब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है एनसी के जो नज़ीर साहब हैं एडवोकेट नज़ीर साहब हम तीनों वहाँ थे तीनों के साथ हमारे साथ बदतमीजी हुई लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ खड़ी की खड़ी देखती रही।